छठी मैया बांस के द्वारा एवं सुपली से होती है खुश। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अदिति मुस्कान। बिहार में आस्था का प्रतीक छठ महापर्व में बांस के बने दौरे तथा सुपली का बहुत ही बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इससे भगवान सूर्य को अर्घ देने से भगवान सूर्य खुश होते हैं तथा छठी मैया को यही दोनों चीज़ प्रिय है। परंतु आज के आधुनिक युग में पीतल के बने सूप और दौरे से ज़्यादातर लोग उपयोग करते हैं, जिस कारण बांस के दौरे बनाने वाले कारीगरों में मायूसी है। बताते चले कि बांस के दौरे डोम जाति बनाती है और यह दौरा छठी मैया को बड़े ही प्रिय है। तभी तो छठ के गीत में काछ ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, इसलिए तो प्रसिद्ध है। खैर, जो भी हो, इस पर हम सभी को विचार करना चाहिए कि क्या होना चाहिए और क्या कर रहे हैं। अपनी सभ्यता संस्कृति को लेकर आप अपना भी राय मैसेज के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं कि आपको क्या लगता है। आइए आपको कुछ तस्वीरों के साथ छोड़ते चलते हैं। आप भी जानते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा को माना जाता है और उस छठ पूजा में कुछ सामग्री इस्तेमाल होता है जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जो दौरा सुपली कहा जाता है। हम आपको यहाँ पे इसलिए कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं, बिहार के सिक्का प्रखंड में हम आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ लोग जो है उसको बनाते हैं, यानी उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर उसको स्टैंडर्ड वर्ड में कहा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का जो काम है ना, वो ये है कि मार्केट से कुछ लोग खरीद लेते हैं, जैसे सुपली हो गया, दौरा जो आजकल आप देख रहे हैं, लोग अपना सामर्थ्य प्रतीत करते हैं छठ घाटों पर कि हम धनी हैं और हम पीतल का सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि छठ पूजा में एक संगीत लोग गाता है बांस के बहंगिया, तो उसमें बांस का जिक्र किया जाता है और कहा भी जाता है कि वही शुद्ध होता है बांस का बना हुआ जो सामग्री, जैसे दौरा हो गया, सुपली हो गया। तो यहाँ के लोगों का कुछ इस विषय पर वो लोग कुछ कहना चाहते हैं और आइए हम आपको दिखाते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं, क्या उन लोगों की क्या समस्याएं हैं इस चीज़ को लेकर। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग बना रहे हैं, बन रहा है, यहाँ आसपास में भी लोग बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का रोजी रोटी बंद नहीं होना चाहिए उन दुकानों के चलते, जो लोग इस पे धंधा करना शुरू कर दिए हैं, इस पे अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। तो साथ ही साथ आपको छठ महापर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आप ही देखें और विचार करें कि क्या सही है, क्या उनके पेट पे क्यों लात मारा जा रहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं एक विशेष रिपोर्ट। दाम मिला था रुलंग के दौरा के ना, कहाँ मिला था हमारा है, पीतर का लोग कीन लेता तो उसे कहा उनके बिकाता ना बोरा था, उच्च दाम नहीं क्या मिला ना, रौराई कारीगर है। हाँ, ये हमने का बनाओ के बाद बेचे के बाद खाए के बाद ऐसे भरते थे का पी। का नाम है राव? वीरेंद्र। तो उड़ा के कारोबार रो लाइन करत आन लगे, इनसे मिला था कुछ फायदा ना? नहीं, ऐसा कहाँ फायदा मिलता, का है ऐसा सब लोग पितरिया कीन लेता, हमने के दौरे बेचाते नहीं समझो पेट भरते नहीं। ये शुद्ध छठी मैया मनलवाड़ी आ पितरिया के लोग कीन लेता आ घर में धोता, माथ मछरी बनता तो में धुआं लगा था, ओकरे के लोग कहता फिर धो धा के अपन छठ कर लेता, आ ओकरे के लोग कहता शुद्ध हमनी के दौरे बेचाते नहीं। का नाम पड़ी? राजेश राउत। का रोलने के दौरा बिकाता ना, कहाँ दौरा हमने का बिकाता, काठरा का मारी कहाँ दौरा बिकाता, पितरिया काठरा लोग की रहता, डोम का डाली माता मंगलवाड़ी है, छठी माई का डोम का डाली चाहिए आ लोग पितरिया काठरा की रहता है, यानी शुभ ही है। हाँ, तो शुभ तो ना शुभ है तो का थी, डोम का दौरा ना। नाम का पड़ेला? सुनाई ना मुस्मा। रौरा का करेनी? दौरा भी नहीं तनी। कौन जाति कहीं लगी? डोम डोम ऐसा के दौरा बनावे निशान आ खाली पितरिया काठा चला देता नहीं, लोग सुपली चला देता नहीं, सुपली दौरा नहीं के बेचा मजदूरी नहीं क्या मिलता है, कहाँ से सरकार से क्या कहे के चाहते हैं, हम बंद कर दी फैक्ट्री, हम दौरा बिकाओ सुपली बिकाओ, हमने के हम रोजी रोटी बा। का नाम पड़ी? चंदा देवी।